क्योंकि हमने आज तक देखा है कि जितने भी स्कीम्स हमारे यहाँ पे करगिल में जो वाटर सप्लाई को लेकर अगर आप देखें तो हमें हमेशा जो है हमें फंड्स की कमी होती थी, क्योंकि किसी स्कीम को बनाने के लिए बनते बनते किसी नए स्कीम को केपेक्स में हो या दूसरे किसी में 5-5, 10-10 साल लगते थे, क्योंकि प्रॉपर पैसा जितना पैसा है वो पैसा हमें इन टाइम पे आता था, लेकिन इन टाइम पे नहीं आता था। वो इस कंसेप्ट को काफी हद तक समझ पाए हैं और आज भी जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा इसमें एक अच्छा कंपोनेंट है जो हिमाचल प्रदेश एक स्टडी बेस्ड है जो विंटर फ्रेंडली स्कीम उस पर बनाया गया, तो वो काफ़ी यहाँ पे लोगों के लिए यूजफुल होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल से ही, क्योंकि प्रोग्राम तो हमें मालूम है कि 2019 से लॉन्च हुआ, लेकिन लद्दाख में इसमें जान आ गई राइट फ्रॉम लास्ट ईयर से, इसमें काफ़ी मूवमेंट हुआ। और करगिल में मैं कहूँगा जो आपने जो यहाँ पे एक सेमिनार किया, वर्कशॉप किया, जिसमें एलजी साहब ने चेयर किया था, जिसमें हमारे कम्युनिटी लीडर्स भी थे, तब से जो है ये एक गेम चेंजर बन गया करगिल में, एक मूवमेंट की तरह आप ये लोग जो है इसको मान रहे हैं। और काफ़ी हद तक आपने भी देखा कि आपके हमारे पीएचई के लोगों ने भी बहुत मेहनत की और हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक मेहनत करके अभी 30% तक हम जो है ले आ पाए हैं अभी तक। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले जो 3-4 महीने हैं उसमें हम काफ़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो टारगेट यानी हर घर में कनेक्शन पहुंचाना, अदरवाइज़ जो आपने क्लियरिटी अभी दी ये बहुत सही है कि लोगों में एक कन्फ्यूजन था कि शायद 2022 में लद्दाख में बंद हो जाएगा ये स्कीम, तो एक क्लियरिटी है कि हम 2000 हमारा पर्पस है कि आपका 31 जुलाई या 15 अगस्त 2022 तक हर घर में कनेक्शन पहुँचाना है, बाकी काम जो है वो साइड बाई साइड आपका चलते रहेगा। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा, मैं अपनी तरफ से आपका बहुत ही थैंक्स करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली आपका जो डिविजन्स आपने आरएनबी और हाइड्रोलिक अलग कर दिया है अभी, अदरवाइज ये भी एक मुश्किल था कि एक ऐसी साहब पूरे आरएनबी भी देखते थे, हाइड्रोलिक भी देखता था, काफ़ी वर्कलोड था, तो ये आप पूरा अलग हो गया है। तो हमारे जो एससी साहब हैं उनका ज़्यादा फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि आपको इनको दो डिवीजन है आपका इरिगेशन और इस पर देखना है, इसी तरह आपने संस्कार में भी था बड़ा इशू था आपका, वहाँ पे अलग डिवीजन कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हम आपके बहुत ही थैंकफुल हैं कि इसमें आपने बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट दिया। अदरवाइज ये हमारा जब जेएनके के साथ भी था तब से हमारा ये चल रहा था डिमांड कि आप दो डिवीजन अलग से कर दीजिए आरएनबी और वो, तो दोनों साइड में मैं कहूँगा आपका हाइड्रोलिक और आरएनबी में जो स्पीड है वो काफ़ी और बढ़ेगा। और साथ ही हालांकि ये रिलेटेड नहीं है, एक चीज़ के लिए आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि आप लीड कर रहे हैं कि जो जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो आप एफिलिएट हो गए CBSE के साथ, तो वो इतने शॉर्ट पीरियड में आपने उसको किया, उसके लिए भी आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। तो ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे, जो टारगेट हमारे एलजी साहब ने फिक्स किया है उसको हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि वो हम अचीव कर पाए। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस एक सर एक पॉइंट और खाली जोड़ देना चाहता हूँ कि जो बार बार एक कंप्लेंट आ रही है कि जल जीवन मिशन का काम हो रहा है तो वहाँ पर रोडें खोदी गई हैं या PMJSY की रोडें या कोई यूटिलिटी डैमेज की गई है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आर नॉट कंडक्टेड, सेकंड प्रिलिमिनरी डिजाइन फॉर प्रपोज्ड कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, देन डिजाइन ऑफ पाइपलाइन इज मिसिंग इन द DPR, देन कोऑर्डिनेट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड सोर्सेज एंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज 15 years, these are the checklist we have drafted for the DPR review and